और आपको बता दें कि सिरसा कांग्रेस भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर ने कहा कि इनेलो के लोग कांग्रेस में गुटबाजी होने की बातें करते थे, आज इनकी पार्टी में जब एक ही परिवार के चार लोग एक होकर नहीं रह सकते तो प्रदेश का क्या करेंगे। तंवर ने कहा कि आज इनेलो टूट चुकी है। जहां आईएनएलडी हमेशा कहती थी कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के इतने उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां तो मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री पद का उन्होंने तो घोषित कर रखा है कि एक ही आदमी बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी चार लोग एक साथ नहीं रह सकते, एक ही परिवार के लोग, तो आप समझ सकते हैं कि इनेलो किस दिशा में आगे बढ़ रही है। पूरी तरीके से लोगों ने जो जनादेश दिया था उसका इन लोगों ने अपमान किया।